Incluso ada resipian nih, kita udah resipi. Ya, sada anggur nih, cek show saya sih kan. Assalamualaikum Nazrin, नाज़रीन कैसे हैं? इधर ठीक होंगे. ये देखिए आज मैंने सादा पुलाव की रेसिपी बनाई है. आज सेट बात कर रहे हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आज हम आपको पुलाव बनाना सिखा रहे हैं. सबसे पहले घी डाला, फिर प्याज, और जब थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे. ये देखें नाज़रीन, प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया. अब हम इसमें चिकन डाल देंगे. अब हम इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह इसको भुनेंगे. अब 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दो. ये देखिए अब गोश्त डाल गया. अब हम इसमें हल्दी नमक मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे. थोड़ी सी काली मिर्चें डालनी है. अदरक सब मिर्च जाता मिर्च डाली. अब टमाटर डाल देंगे. सूख मिर्च डाल देंगे जितनी आपके जरूरत हो. अब आप इसको अच्छी तरह भून लेंगे. जब अच्छी तरह भून जाए तो इसमें आपने 1 किलो चावल हैं तकरीबन 1.5 किलो 1.25 किलो पानी डाल देंगे. अच्छी तरह भून लेने के बाद मिर्च अच्छी तरह बन जाए पक जाएगी तो बाद में इसमें आप पानी डालेंगे. देखिए अच्छी तरह भून ली. ये 1.5 डब्बा हम पानी का हमने डाल दिया. ये 1 डब्बा चावलों का था. अब हम इसमें चावल दाल डाल देंगे. देखिए चावलों का पानी सारा खुश्क है. अब हम इसे एक दफा हलाएंगे अच्छी तरह. सब मिक्स हो जाएगा.
चार पांच मिनट के लिए अब स्टार्ट। ये देखिए नाज़रीन, पानी सब खुश्क हो चुका है। अब ये दम पे लगाने पे आ चुके हैं चावल। अब मैं इसमें इसके ऊपर डालूँ, इसमें लाइट माने रही। अब ये ढक्कन दे दिया। हर एक अपना तरीका है दम देने का, लेकिन मेरा अपना तरीका है। तो मैं देगची को ऊपर से तारूंगी, फुल आंच पे तवा रख दूंगी। तवा रख के ऊपर देगची रख दूंगी। अब इसे पाँच मिनट तेज आंच पर देगची पड़ी रहेगी।